अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ में आज आपको बहुत अच्छी सी गुड मॉर्निंग। अच्छा, अभी दो चार दिन पहले मुझे बहुत कमेंट रिसीव हुए कि आप में से कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनके रेडियोलॉजिस्ट ने या उनके सोनोलॉजिस्ट ने जो हैं वो उनको कुछ जेंडर के बारे में जो है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, कि वो ये कह रही हैं कि पहले वो जब स्कैन करवाने गई तो उन्हें कोई जेंडर बताया, फिर जब वो नेक्स्ट टाइम कोई स्कैन करवाने गई उसी प्रेगनेंसी में तो दोबारा जेंडर चेंज कर दिया, और फिर जब थर्ड टाइम गई तो दोबारा जेंडर चेंज कर दिया। और यही चीज़ जो है वो दो तीन पेशेंट्स के साथ जो है वो हो चुकी है, जो कि मेरे इस चैनल पे जो है वो रेगुलर व्यूअर्स हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो मुझे पढ़ के बहुत ताज्जुब भी हुआ और मैं बहुत ज़्यादा मतलब सोचने लगी कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, कि हम जेंडर को लेके जो है वो इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स क्यों कर रहे हैं। मैंने तो जेंडर से मुतालिक जो है वो बहुत डिटेल में उसकी अहमियत के बारे में और अल्ट्रासाउंड पे जेंडर कैसे नज़र आता है और उसके जो साइंस हैं वो बहुत डिटेल में एक वीडियो अपलोड मैं कर चुकी हूँ। उसको देख के रेडियोलॉजिस्ट भी उससे लर्न कर सकते हैं और आम जो लोग हैं जो व्यूवर्स हैं वो भी उसे देख के जो है वो समझ सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड पे जेंडर कैसे नज़र आता है। बहरहाल मैंने फिर इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कअप किया और मैंने ये एक वीडियो क्लिप जो है वो आपके लिए रिकॉर्ड किया। देखें, ये मेरे पास एक पेशेंट आई थी, इनकी 17 वीक्स की प्रेगनेंसी है और 17 वीक्स पे इनका बेबी जो है वो ब्रीच है। बेबी की लेग्स देखें फुल एक्सटेंडेड हैं इस वक्त और बेबी बहुत जो है वो इंजॉय कर रहा है अपनी इंट्रा यूट्राइन लाइफ को और अपने जो है वो लेग्स को बहुत अच्छे से मूव कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा होता है जब बेबी इस तरह मूव कर रहा होता है और हम अल्ट्रासाउंड पे से देख रहे होते हैं। इसी दौरान जो है वो जाहिर है हम बेबी का जेंडर भी देख रहे होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी 17 वीक की थी तो मैं इनका जेंडर भी देख रही थी। तो यहाँ पे देखें कि कभी कभी होता ये है कि जब जेंडर देखने वाली जगह पे जो है वो कॉर्ड पड़ी हुई होती है तो ये थोड़ा सा जो है ना कन्फ्यूजन क्रिएट करती है और ऐसा लगता है कि ये बेबी बॉय है। तो मे बी कि ये कन्फ्यूजन होती हो जिसकी वजह से लोग जो हैं वो आपको रॉन्ग जेंडर जो है वो बता देते हैं। तो ये देखें, ये बिल्कुल कॉर्ड है और ये कॉर्ड की जो हैं वो लेयर्स हैं। मैंने आपको बताया था 3 वेसल्स कॉर्ड होती है, इसमें अगर आप फ्लो डालेंगे ब्लड फ्लो तो ये सब के अंदर जो है ना वो ब्लड फ्लो नज़र आएगा आपको, ठीक है। जबकि एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर आपको ब्लड फ्लो नज़र नहीं आएगा। अच्छा, थोड़ा सा बेबी जब और मूव करेगा या आप थोड़ा सा पेशेंट को टिल्ट करें, थोड़ा सा करवट दिला दें राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे, तो ये कॉर्ड जो है वो इस जेनिटेलिया वाले एरिया से जो है वो मूव कर जाएगी। और जब ये मूव करेगी तो क्या होगा कि ये देखें जेनिटेलिया वाला एरिया जो है जहाँ पर हमें जेंडर देखना है ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और आप देखें कि पहले हमें लग रहा था कि ये बेबी बॉय है लेकिन वो कॉर्ड थी सारी, ठीक है, और अब हमें बहुत वाजे तौर पे नज़र आ रहा है कि ये बेबी गर्ल है। तो 17 वीक्स पे हम बहुत वाजे अल्फाज में ब्रीच बेबी में बता सकते हैं कि ये बेबी गर्ल है। जब तक इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया वाले एरिए को रिवील करें, बहुत वाजे तौर पर देखें और इसके ऊपर कोई और बेबी का स्ट्रक्चर ओवरलाई ना कर रहा हो, ठीक है। अच्छा, और एक और बात वो ये कि जो एक्सपीरियंस रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट होते हैं उनके लिए कोई मसला नहीं होता कि वो इजीली डिफरेंशिएट कर सकें कि ये जेनिटेलिया वाला एरिया है या कॉर्ड वाला एरिया है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।